फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग का ये चेकआउट करने वाले हैं इस आश्रम को। और हम लोग तो बता ही दिए हैं जो द्वारका जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग का कैसे क्या व्यवस्था होता है वो करेंगे। और मैंने रिव्यू भी बोला है, बहुत अच्छा है। जब तक आप यूज नहीं करते हो तो कैसे पता चलेगा, इसलिए मैं फर्स्ट डे वाला मैं नहीं बताई थी। उसके बाद जब मैं ये यूज की हूँ, बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं बताई हूँ। अगर आप लोग को भी आना रहेगा तो आ सकते हो, बहुत अच्छा है। और क्या बताऊँ, खाना पीना भी ये है हाइजीनिक, जो कि बिना बहुत तेल कम तेल वाला खाना उतना नहीं है, तेल ऑयली नहीं है। बाहर में जब खाते हैं तो ऑयली रहता है, क्योंकि हम लोग तो बाहर में भी कल खाए थे। आज का तारीख हो गया, डेट है 27 आना जानो ना, 27 है, क्योंकि कल 26 था जो कि भैया दूज था, और आज 27 है। आज का डेट 27 हो गया, तो आज के डेट का यही अपडेट है। अभी मेरा सोमनाथ में ही है हम लोग, और चलते हैं फिर। ये ब्लॉग कब कहाँ तक कंटिन्यू रहता है, जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं पर मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि इतना वैरायटी है, इतना सब कुछ देखने वाला है। और जहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं रहता वहाँ पर नहीं ले जाती, क्योंकि कोई भी रूल जो रहता है, आप इस तो मैं बात कर रही थी रूल के ऊपर, जो कि बहुत सारे टेम्पल के पास अलाउ नहीं है कैमरा ले जाना। तो आप जो रूल है वो हम लोग के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग के सेफ्टी के लिए ही होता है, तो रूल मानना चाहिए। कि बहुत सारे लोग बहुत रूल के खिलाफ हो जाते हैं, जो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये, लेकिन ये हम लोग के लिए अच्छा रहता है। तो रूल हमें अच्छा लगा, नहीं ले जाना तो नहीं ले जाना है। और क्योंकि कैमरा ले जाओ फिर भीड़ बढ़ जाता है, भीड़ बढ़ जाता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और अच्छा है ना, लाइव आके देखो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय होता है। और ऊपर सबसे बड़ा क्या है, हिस्ट्री जो है बहुत अच्छा। जैसे कि कल रात को मैंने जो कृष्ण भगवान के तीर लगा था अंगूठे में, जब उनका ये मृत्यु हुआ, वो वाला मंदिर देखा, आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे, कितना अच्छा है। सब हिस्ट्री यहाँ पर बहुत सारा है, हमें तो उतना पता भी नहीं है, जानू लोग को पता है तो वो लोग बताते हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी तक का जो हम लोग का जर्नी रहा सोमनाथ का, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इंजॉय भी किए और बहुत सारे चीज़ जानकारी को भी मिला, समझने को भी मिला, और बहुत अच्छा लगा। और फैमिली के साथ आप आते हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये यहाँ पर सोमनाथ आने के बाद। आज तो हम लोग द्वारका जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, क्या होता है, कई बार क्या होता है, किसी भी होटल में जाओ या आश्रम में, आश्रम की तो पता नहीं मुझे, एक बार हम लोग कन्याकुमारी वाला में रहे थे तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, विवेकानंद आश्रम था कुछ ऐसे ही, अभी याद नहीं उतना। और ये वाला जो है तो इसमें भी बेड वेड बहुत अच्छा है, नींद अच्छा से आया, तो आप जो समझ सकते हो जब नींद नहीं आता तो कितना डिप्रेशन फील करते रहते हैं, तो नींद वींद बहुत अच्छा आया। और सबसे अच्छी बात क्या था इसमें, देखो ये बालकनी है, ये बालकनी है, बहुत डायरेक्ट यहाँ पर जो है सनलाइट आता है। एक मिनट, तो डायरेक्ट सनलाइट आता है। और क्या होता है, कहीं कहीं पर भी आप जाओ, दो चार दिन का ट्रिप हो या कुछ भी हो, तो कहीं थोड़ा सा भी कपड़ा गीला रह गया या कुछ, तो ड्राई करने में आप जैसे आप सोचोगे कितना भी कपड़ा ले लो, थोड़ा बहुत गीला हो ही जाता है, जैसे टॉवल हुआ या छोटा मोटा कपड़ा, अंडर गारमेंट्स हुआ, तो वो उसको आप अच्छे से ड्राई कर सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दीघा वाला में तो कहीं नहीं बालकनी दिया हुआ था, बहुत ये कंजेस्टेड लगा था दीघा में। सी एंड सैंड जो वाला मुझे अच्छा लगा था, और बाकी जो देखे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। और इसमें जिसमें बालकनी रहता है तो वो मुझे अच्छा लगता है, बालकनी रहने से मुझे बहुत अच्छा लगा, और बेनिफिट भी हुआ बालकनी का। तो यहाँ पर फाइनली जो है हम लोग पूरा सामान को देख लेते हैं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। और जानो आपको कैसे लगा ये आश्रम? बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट आश्रम है, और जो भी आए यहीं पर रहे तो अच्छी बात है। यहाँ का भोजन बहुत ही अच्छा है, और सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा कि आप रिलाई कर सकते हो। और यहाँ का लोग भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जस्टी है, चेयरमैन है, वो भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं यहाँ के, तो आप ये देखो कि ये ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, कि इसके चेयरमैन भूतपूर्व, इसके जो चेयरमैन है वो भूतपूर्व सीएम है, तो आप ये बोल सकते हो कि बहुत अच्छा है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है।
फैमिली वाला कहीं पर जाओ ना आप, जब जैसे कि कोई ट्रिप के लिए प्लानिंग करो, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले टेंशन रहता है कि कैसा होगा नहीं होगा। और ये लोग अगर खुद से डालते हैं तो वो पुराना पिक्चर हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो उसमें पता नहीं चलता रहता है। और जैसे हम डाल रहे हैं अभी तो इस ये जो रियल है वो दिखा रहे हैं, ये रियल टाइम में हो रहा है। आज के दिन में बहुत अच्छा है और सेफ्टी सिक्योरिटी एक बड़ा मैटर होता है, जब आए स्थान पर तो ठीक ही है। नहीं अगर जैसे कि हम लोग भी टेंशन में थे जो कैसा होगा नहीं होगा, क्योंकि जब जो लोग पिक्चर या वीडियो डालते हैं, मतलब यहाँ के लोग जो डालेंगे अपना पर्सनल, तो रियल होगा या नहीं होगा लोगों को बिलीव नहीं होता रहता है। और जब हम जैसे कि जैसे कोई टूरिस्ट आके डाला तो वो ठीक है। यहाँ पर क्लीन बहुत है ना, क्लीन भी है, ये सब देखो अब देख सकते हो ये पूरा क्लीन है। और ये बहुत बड़ा भी है, बहुत बड़ा भी है ये। और जितना हम तारीफ कर रहे हैं तो लोगों का स्पॉन्सर वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ऐसा मत समझना जो स्पॉन्सर है ये स्पॉन्सर गवर्नमेंट ट्रस्ट है, किसी का स्पॉन्सर करता नहीं है। हाँ। यदि कोई प्राइवेट वाला होता है तो स्पॉन्सर करते हैं, गवर्नमेंट वाले क्या स्पॉन्सर करेंगे, ट्रस्टी क्या स्पॉन्सर करेंगे। और खास करके ये वाला स्पॉन्सर मेरा नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि ओवर बुक रहती है। हमने चार महीना पहले बुक किया था। और इतना खुला मुला है ना, जो हम लोग का बेडरूम है वो भी बहुत बड़ा बड़ा है, तो खुला मतलब एक स्पेस भी रहना बहुत जरूरी होता है। और बच्चे लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कितना इंजॉय किया इस आश्रम में, बहुत बहुत इंजॉय किया। बताओ कैसा लगा इस आश्रम में? बहुत बढ़िया, बहुत इस ये लोग बहुत ये है, बहुत खुश है क्योंकि एक मिनट देख तो बताइए कैसा लगा आपको इस आश्रम में रह के? बहुत अच्छा है। सबसे मुझे क्या अच्छा लगा मैं बताती हूँ, ये स्पेस बहुत खुला है और बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय किए, लोकेशन भी अच्छा है, लोकेशन हाँ, कोई बाउंडेशन नहीं है अपना, मतलब ज्यादा शोरगुल हाँ हाँ। और सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, जिसका बच्चा रहता, बच्चा अच्छे से हंसे खेले तो मतलब हंसी खुशी रहे, तो वो हम लोग का बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चा यहाँ पर एक बार भी कोई रोया नहीं, अपना खेलता रहा एंजॉय, क्योंकि स्पेस ज्यादा था इसलिए मुझे अच्छा लगा है। और ये भी मैं बोल दी क्योंकि ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग ये मत समझना स्पॉन्सर है। चलिए मुझे और जीजा जी से जीजू से पूछते हैं कैसा लगा बताइए। बहुत अच्छा लगा है, लोकेशन बहुत अच्छा है, डाइनिंग का बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत रीजनेबल प्राइस में हेल्दी फूड मिलता है और ऑयली एकदम बिल्कुल प्लेन खाना मिलता है। और ये है बिना प्याज लहसुन का है, बिना प्याज लहसुन का ये तो, और वैरायटी बहुत है, रहती है बहुत लेट रहती है इनको ये सोने के बाद पता ही नहीं चलता है जो ये सोमनाथ में आई है। और ये हम लोग का फिर आ जाएंगे ना सोमनाथ, फिर दूसरे में जाएंगे तो दूसरे का भी हम लोग रिव्यू दे देंगे वो कैसा लगा हम लोग को। बाकी अब हाँ आज द्वारका जाएंगे तो द्वारका भी का भी दे देंगे। जब हम लोग आए थे यहाँ पर, जब मतलब बुकिंग किए थे, तब हम लोग का टेंशन था ना जो कैसा होगा नहीं होगा, और सबका होता है ऐसा ये प्रॉब्लम जो मतलब जब आए यहाँ पे रहे हाँ बहुत अच्छा है, एकदम 100 में 100 लाइक देने वाला। और आप लोग भी शेयर करना, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर दूँ, ये रिव्यू यहाँ से आप जा रहे हैं दूसरी जगह, वहाँ का बनाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर दूसरे वाला रहेगा। और आश्रम में जब जाएंगे उसका रिव्यू देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग भी आओ सोमनाथ दर्शन करो, बाबा करो, बाबा कितना सारा हिस्ट्री है यहाँ पर, बहुत सारा हिस्ट्री है, बहुत मजा आया। और ये है इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी, निकलने वाले ही हम लोग, दी रेडी होगी, लेट से रेडी होगी, स्टेप बाय स्टेप का कोई तामझाम नहीं रहता दी का, यही बताना चाहती है। तब तक कैमरा ऑफ था, दी बोल के निकल गई थी इसलिए मैंने भी क्लियर कर दिया है। और तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर दूंगी और फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नेक्स्ट। और आप लोग भी शेयर करना इस वीडियो को और लाइक भी करना, ठीक है, बाय बाय। और आप लोग भी आना, ये मेरा ऑर्डर है,
ये ऑर्डर नहीं है, मजाक कर रही हूँ, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आ सकते हो नहीं आ सकते हो, बट बहुत अच्छा है। बाय बाय। ब्रेकफास्ट टाइम है, बहुत भीड़ है देख सकते हो, और ब्रेकफास्ट में आज का जो मेन्यू है वो है इडली, आप यहीं से देख सकते हो। आज का ये 27 है, विथ प्राइस आप देख सकते हो, ये है यहाँ का। बुकिंग तो नहीं है लेकिन वहाँ।